Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are all doing very well. I'm sending all the happiness, peace, prosperity, and loads of blessings your way. Have a great day. Today I got a message early morning in my WhatsApp inbox, and us message mein ek awaaz aur us awaaz mein jo paigham tha wo ye tha ki bahut sare aise log hain जो मुझे अजीब सी लुक्स करवाते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे हालात के ऊपर, मेरी सिचुएशन के ऊपर, जो भी सर्कमस्टांसेस मेरी ज़िंदगी में हैं उसके ऊपर तंज करते हैं, बात करते हैं, कोई ना कोई ऐसा टॉन्ट करते हैं, कोई ना कोई ऐसी यू नो कमेंट पास कर देते हैं जो मेरे दिल को बहुत हर्ट करता है. और जब वो ज़ाहिर हर्ट करता है तो मैं उस बारे में सोचती रहती हूँ और वो मेरी जो हर्ट है वो इस लेवल तक आ जाती है कि फिर मैं कहती हूँ कि हो सकता है कि वाकई वो जो बातें कह रही हैं वो ठीक हैं और वो मेरे कॉम्प्लेक्सेस बन के मेरी ज़िंदगी में मुझे तंग करना शुरू कर देती हैं. बहुत क्रिटिसिज्म मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है और वही क्रिटिसिज्म और वही कमेंट्स और वही जो लेट डाउन किया गया वाज वन ऑफ दोज थिंग्स दैट गेव मी द स्ट्रेंथ टू मूव ऑन इन लाइफ टू अचीव माय गोल बिकॉज आई डिड नॉट केयर अबाउट व्हाट पीपल सेड. ज़िंदगी में मेरे साथ जो ज़िंदगी में मैंने जो भी थोड़ा बहुत ज़िंदगी में अचीव किया है इट इज़ बिकॉज ऑफ दोज पीपल हु ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड मी. जब उनका मुझे सुबह आई एम नॉट गोइंग टू टेक हर नेम मगर उनका जब मुझे मैसेज आया तो मैंने उनको जो बात कही वो यही थी. उनकी अपनी बातों में वट एवर शी सेड उनकी अपनी बातों में उनका जवाब भी था. टूवर्ड्स द एंड शी सेड कि आई नो दैट मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकती लोगों को. आई नो कि मैं उनकी सोचों को कंट्रोल नहीं कर सकती. अगर मुझे कहीं काम करना है तो वो मेरी अपनी ज़ात है. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ आई रिप्लाइड बैक टू हर कि येस ऑफ कोर्स दिस इज़ द आंसर ऑफ योर कंसर्न एंड ऑफ योर प्रॉब्लम दैट यू आर शेयरिंग विद मी. यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, यू कैन नॉट चेंज पीपल, यू कैन नॉट चेंज देयर थॉट्स, यू कैन नॉट चेंज द सर्कमस्टांसिस एंड सिचुएशंस, बट वट ऑल यू कैन डू इज़ यू कैन फोकस on your own mind. Now what I told her what to do is if somebody gives you a negative comment or a negative look or a negative vibes or anything, agar koi bhi kuch aisa negative aapse kehta hai us pe aapka kya response hona chahiye. Normal jo response hota hai wo ye hota hai ki when someone says something bad to you, wrong to you, negative to you, you say okay fine, usne ye kiya hai, मैं भी यही करके दिखाऊंगी या करके दिखाऊंगा. और फिर हम एक फाइट और एक वॉर में, एक वॉर जोन में आ जाते हैं और वो हमारे माइंड को और हमारे इर्द गिर्द के ऑरा को नेगेटिव ब्लैक कर देता है, राइट? ऑन द कॉन्ट्ररी एक छोटी सी मिसाल देके आपको समझाऊंगी. अगर फॉर एग्जांपल एज यू ऑल नो दैट आई हैव दिस ब्रांड कॉल्ड हिजाबीज, जब हम किसी को कोई प्रोडक्ट भिजवाते हैं दे ओपन इट एंड दे से ऑनलाइन दे से कि जी इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं. वट दे डू इज दे सेंड इट बैक टू अस. जब वो डैमेज्ड चीज हमें वापस भिजवाते हैं तो वट वी डू टू हैव दैट बेस्ट रिलेशनशिप विद आवर क्लाइंट्स बिकॉज इट्स नॉट अबाउट ओनली सेलिंग, इट्स अबाउट द आफ्टर सेल सर्विसेज दैट वी हैव टू फॉलो और उसको मेनटेन करना होता है. So once the damaged parcel comes to us, what we do is we take it, we keep it, and we replace it with the best one or the वो ऐसा चीज जिसके अंदर कोई डैमेज नहीं होता और वो बिल्कुल परफेक्ट पीस हम उनको भिजवाते हैं. अब उससे होता क्या है? अब उससे होता ये है कि ना सिर्फ हमने अपने उस प्रोडक्ट को बेचा बल्कि एट द सेम टाइम हमने हमेशा के लिए उस क्लाइंट को अपना कर लिया. नाउ शी और ही और जो भी क्लाइंट है दे आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर. सिमिलरली जब आपको कोई अपने डैमेज्ड नेगेटिव कमेंट्स
और थॉट्स भेजता है, नेगेटिव वाइब्स भेजता है, तो आपने उन नेगेटिव वाइब्स ही को वापस नहीं भेजना, आपने उनको रिप्लेस करना है विद योर पॉजिटिव वाइब्स, विद योर पॉजिटिव थॉट्स, और उसको एक्सचेंज कर देंगे. जब आप उस एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे एंड देन यू विल सेंड इट बैक, देन द ब्यूटिफुल रिलेशनशिप इज गोइंग टू अकर इंशाल्लाह बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन. इट माइट टेक अ लिटिल टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस, बट वंस यू अंडरस्टैंड दिस एंड वंस यू हैव द करेज एंड स्ट्रेंथ टू डू दिस, यू विल सी हाउ ब्यूटिफुल योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी. जब हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयमा मासूमीन की ज़िंदगी देखते हैं तो वहाँ हम क्या देखते हैं? कहीं से कोई बुराई भी आ रही है तो यहाँ से अच्छाई जा रही है, कोई नेगेटिविटी भी क्रिएट कर रहा है यहाँ से दुआएं जा रही हैं. वी आर द फॉलोअर्स, वी आर द उम्मत ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी आल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं. अगर हम नेगेटिविटी के बदले में पॉजिटिविटी नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? So this is the question we need to ask. That's why I always say that exchange, aap usko return kare cheez ko, exchange kare with positivity and give it back and have a beautiful relationship. Mushkil kaam hai, but agar kar liya to zindagi aapki apni aasan hogi. So this is the thought of the day. I hope you have a great day. We will be talking about this a little more because it's the need of this time. Inshallah, you take care, keep smiling, and look after yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.